हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रश्मि श्रीवास्तव, आज आप मेरे साथ यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश बुक पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत लेसन 1 ए गर्ल विद ए बास्केट से करेंगे, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर, विलियम सी डगलस वॉज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ट्रैवलिंग वॉज हिज हॉबी एंड ही हैड ट्रेवल्ड वाइडली इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। यात्रा करना उनका शौक था और उन्होंने विश्व के बहुत सारे भिन्न भिन्न देशों की यात्रा की थी, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ही हैज़ रिटन ए लॉट अबाउट इंडिया, उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। हिज अप्रोच शोज हिज कीन इंसाइट इन टू द सोशल एंड पॉलिटिकल फेजेस ऑफ इंडिया। उनका दृष्टिकोण भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक चरणों के सूक्ष्म दृष्टिकोण को दिखाता है। अबाउट द लेसन, अब हम लेसन पढ़ेंगे। विलियम सी डगलस विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में विलियम सी डगलस भारत भ्रमण के लिए आए थे। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फेसिंग द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, उसी समय भारत शरणार्थी समस्या से जूझ रहा था। द इंडियन पीपल रिसेंटली अप्रूटेड फ्रॉम द पाकिस्तान एरियाज हैड टू सीक रिफ्यूज इन इंडिया। भारतीय लोग जिनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया था, वे अब भारत में शरण ढूंढ रहे थे। दोज पीपल हैड बीन फेसिंग ए नंबर ऑफ हार्डशिप्स, वे लोग बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे थे। हार्डशिप के बाद फुल स्टॉप है। दे वेयर विदाउट होम्स क्लॉथ्स मनी एंड ऑक्यूपेशन, वे बिना घर के, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और बिना ऑक्यूपेशन के थे। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, घर के बड़ों के अतिरिक्त। देयर चिल्ड्रेन टू वर्कड हार्ड फॉर देयर लिविंग, उनके बच्चे भी जीविका के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। द आथर हियर गिव्स ए लिवली नरेशन ऑफ व्हाट ही सा ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। लेखक हमारे देश के जो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, शरणार्थी बच्चे आए थे, उनका जीवंत विवरण दे रहे हैं जब वे दिल्ली से रानीखेत की यात्रा कर रहे थे। लेसन, अब हमारा ओरिजिनल लेसन स्टार्ट होता है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई मीन्स यहाँ पर लेखक के लिए है, ये फर्स्ट पर्सन में लेखक अपने लिए लिख रहे हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय की तरफ चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था, उसके बाद फिर कार द्वारा रानीखेत की तरफ रवाना हुआ, जो बर्फ से ढके हुए हिमालय के सम्मुख 120 मील विस्तार में 6,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी बनी थी। द ट्रेन वॉज स्लो
एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। ट्रेन धीमी थी और यह हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। जहाँ पर हर स्टॉपेज पर जब ट्रेन रुकती थी तो मैं अपने कंपार्टमेंट मीन्स रेल का डिब्बा, अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा झटके से खोलता था एंड वॉक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स एंड हॉकर्स। प्लेटफॉर्म्स विभिन्न प्रकार के लोगों से खचाखच भरे हुए थे, जैसे कि सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर्स मीन्स कुली, बेगर्स मीन्स भिखारी एंड हॉकर्स फेरी वाले। स्टूडेंट्स आप डिफिकल्ट मीनिंग नोट करते जाइएगा। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था क्योंकि सब लोग गरीब थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स और वे सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मुझे कम से कम 3 लोगों से बातें करना पड़ता था तब जाके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। We would talk world affairs and every major topic, the news of the day produced. हम सांसारिक मामलों पर बात करते थे और उस समय की जो मुख्य खबरें थीं उन पर भी बातें करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। फील द पल्स ऑफ द नेशन या पल्स के आगे ऑफ होगा। फील द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स होता है नब्ज टटोलना, अर्थात किसी की भावना को जानना। इन दिस वे इस प्रकार मैं ऑफिशियल एटीट्यूड आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्ट के बारे में साधारण जनता की और राष्ट्र की भावना को परख रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर जाता था। इट वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1,000 feet above sea level but tropical। यह गंगा नदी के ऊपरी मैदानी भाग था जो समुद्र तल से 1,000 feet ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय मीन्स होता है गर्म क्षेत्र। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। गंगा की बालू भूरी थी, उस समय गंगा नदी उफान पर थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसकी जो बाढ़ थी, इसका पानी चावल के खेतों पे हजारों एकड़ भूमि पर पानी गंगा नदी का भरा हुआ था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास हायर दैन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरा। जो घास उत्तर में जंगल थे जिनकी घास जिस पर घास बहुत दूर तक विस्तृत था और घास की लंबाई व्यक्ति के सर से भी ऊंची थी और वो इतनी घनी थी कि कहीं पर गैप नहीं था सिवाय पेड़ों के झुरमुट के। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरा। वो इतना घना था कि वह चीतों का
हाथियों का, अजगरों का, काले नागों का घर बन गया था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हर कहीं जमीन जो समतल जमीन थी वो ऐसे लग रही थी जैसे क्षितिज को छू रही है। बट डोटेड हेयर देयर हेयर एंड देयर बाई द साइक्रेट बनियान ट्री आर बाई रोज आप पाकर ट्रीज। लेकिन इधर उधर हेयर एंड देयर डोटेड मीन्स होता है छितरे हुए, लेकिन इधर उधर पवित्र बनियान ट्री बरगद के पेड़ और पाकर, पाकर एक विशाल वृक्ष होता है उस पेड़ की कतारें एल्म एक सदाबहार वृक्ष होता है उसके आकार के दिखाई दे रहे थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स और उनकी जो तने थी बरगद के पेड़ के और पाकर के पेड़ों के जो तने थे वो मोटे और मुड़े हुए थे। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म आर्द्र हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। बंदर और उनमें से कुछ बंदरिया थीं जो अपने बच्चों को अपने अंदर की ओर पेट में चिपकाए हुए स्टेशन की तरफ पेड़ों से स्टेशन की तरफ भोजन की तलाश में कूद रही थीं। द विलेज पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। जिन गांव से हम गुजर रहे थे वहां पर हमने देखा कि वहां की दीवारें बनी हुई थी या लिपी पोती हुई थी गोबर पानी और मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई थी। देयर पीक The roof where thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. उनके जो ढालदार छत थे वो घास के बंडल से जो बांस के खंभों से बंधे हुए थे एक छप्पर जैसे बने हुए थे। The day the pumpkin vines that grew over them were in ब्लूम। उस दिन पंपकिन मीन्स होता है कद्दू सीताफल लौकी, वाइंस मीन्स लताएं। उस दिन पंपकिन कद्दू सीताफल की लताएं दीवार पर चढ़ी हुई थी और उनमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वाज। उनके फूल ऐसे लग रहे थे दीवारों के ऊपर मानो पीले रंग की धारियां बनी हुई हों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।